हाथरस के सिकंदरा राव के रतिभानपुर में बहुत बड़ी घटना हुई है। आपको बता दें कि यूपी के हाथरस में भोले बाबा के सत्संग के दौरान भगदड़ मच गई, वहीं इसमें 122 लोगों की मौत हो गई है। वहीं मरने वालों में 25 महिलाएं और 2 बच्चे हैं। वहीं मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। जानकारी के अनुसार संत भोले बाबा का प्रवचन सुनने के लिए हाथरस एटा बॉर्डर के पास स्थित रतिभानपुर में बहुत बड़ी संख्या में लोग जमा थे। पंडाल में भयानक उमस और गर्मी के कारण भगदड़ जैसी स्थिति बन गई, जिसके चलते काफी संख्या में महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे घायल हो गए, जिनकी हालत अभी गंभीर बताई जा रही है। वहीं स्थानीय लोगों ने आसपास के अस्पताल और एटा के हॉस्पिटल में घायलों को भेजा है। बताया जा रहा है कि किसी बड़े जिम्मेदार अधिकारी ने अभी कोई अपडेट साझा नहीं किए हैं। वहीं घटना स्थल पर मौजूद लोगों का कहना है कि मरने वालों की संख्या ज्यादा है, जिन्हें घायल हालत में आसपास के जिलों में अलग अलग भेजा गया था। वहीं सिर्फ एटा के सरकारी अस्पताल में 27 लाशें पहुंच चुकी है, जिसमें 25 महिलाएं और 2 बच्चे हैं। सूचना मिलते ही सीएम योगी ने हाथरस हादसे का संज्ञान लेकर एडीजी अनुपम कुलश्रेष्ठ व डीआईजी अलीगढ़ प्रदीप माथुर को सिकंदराव के लिए रवाना किया है।